हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन दिस इज योर ईवीएस क्लास एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर सेवन क्लॉथ्स वी वेयर चैप्टर इज अबाउट क्लॉथ्स सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वाई वी वेयर क्लॉथ्स क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स वी वेयर क्लॉथ्स टू क्यों पहनते हैं हम कपड़े कवर आवर बॉडी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम वेदर चेंजेस इंसेक्ट्स एंड डस्ट वेदर की चेंज होती है कभी समर सीजन आता है विंटर सीजन आता है रेनी सीजन आता है उस सीज़न से अपने आप को है बचाने के लिए एंड इंसेक्ट से बचने के लिए डस्ट से बचने के लिए एंड लुक स्मार्ट नाउ लुक एट योर स्क्रीन इन विच सीज़न वी वेयर दिस क्लॉथ्स जो कपड़े हैं कॉटन क्लॉथ्स हैं हम किस सीजन में पहनते हैं येस इन समर सीजन वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स दे कीप अस कूल दे एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे जो स्वेट uh, आता है समर सीजन में जब हमें गर्मी लगती है पसीना आता है ना तो उसको ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं और हमें uh, हमारी बॉडी को ये कूल cool रखते हैं हमारा टेम्परेचर है ठीक रहता है नेक्स्ट नाउ सी दिज क्लॉथ्स इन विच सीज़न में यूज दिज क्लॉथ्स स्वेटर जैकेट ग्लव कैप येस इन विंटर सीजन वी वीअर डार्क कलर एंड वुलन क्लॉथ्स इन विंटर्स विंटर्स में क्यों पहनते हैं बिकॉज दिस क्लॉथ्स कीप अस वम जब विंटर सीजन में हमें ठंड लग रही होती है तो अगर हम वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी वार्म रहती है ना उससे नोसी इन विच सीज़न वी यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट इन रेनी सीजन वेन इट रेन्स वी वीयर अ रेन कोट अवर अवर क्लॉथ्स इट कीप्स एस ड्राई एंड सेफ पीपल यूज़ अम्ब्रेला टू प्रिवेंट दैन सेल्स वेटिंग वेट जब ब्रेन आती है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ना एंड ऑल्सो रेन कोट्स रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज आर मेड फ्राम वाटर प्रूफ मटीरियल वाटर प्रूफ मटीरियल से वो बनाए जाते हैं ताकि वो हमें रेन से वाटर से बचा सकें नाउ सीधा नेक्स्ट टॉपिक हाउ आर क्लॉथ्स मेड हमने देख लिया कि हम क्लॉथ्स से वाले यूज़ करते हैं बट ये क्लॉथ्स बनते कैसे हैं इफ़ यू गो एंड बाय सम मेटेरियल फॉर ड्रेस यूज येराइटी ऑफ फैब्रिक्स हम देखते हैं ना कि कपड़ों की बहुत अलग अलग वेराइटी होती है अलग अलग तरह से वो हमें लगते हैं कि बने होते हैं इज क्लॉथ फैब्रिक इज मेड ऑफ यान इज मेड ऑफ स्ट्रेंड्स फाइबर वन टदर ये क्लॉथ्स वह बनते कैसे हैं फाइबर से फाइबर के पहले यान्स बनाए जाते हैं धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को मिलाकर क्या बनाया जाता है उनको यूज़ करके फैब्रिक जो है वो कपड़ा बनाया जाता है फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर नाउ वी विल डिस्कस नेचुरल फ़ाइबर फाइबर्स दैट आर ऑबडेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर जो कि या प्लांट से या एनिमल से हम लेते हैं वो क्या होती है नेचुरल फ़ाइबर एग्जाम्पल क्या हो सकती है जैसे कॉटन है वूल है और सिल्क है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वी गेट कॉटन फ्रॉम द बोल्स ऑफ अ बोल्स ऑफ अ कॉटन प्लांट जो कॉटन हम कहाँ से लेते हैं कॉटन के प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर जैसे आप देख सकते हो वाइट वाइट जो है फ्लावर्स होते हैं वी टेक दिस काटन फाइबर एंड स्पिन इन टू अ काटन थ्रेड और इनसे क्या बनता है कॉटन का थ्रेड बनता है और फिर इस थ्रेड से है वो कॉटन का क्लॉथ बन जाता है इज़ वूल वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर और फ्लीस ऑफ अ शीप प्यार क्रेबिट एंड गॉड फ्लीस ऑफ शीप इज रिमूव्ड, वॉश एंड स्पन इनटू टू वुलन थ्रेड्स जो शीप होती है उसके से हमें मिलती है ना वूल उसको क्या किया जाता है उसकी बॉडी से है, जो ऊपर उसकी जो फ्लीस होती है उसको रिमूव किया जाता है वॉश किया जाता है और वुलन के थ्रेड्स वुलन के थ्रेड्स को फिर क्या करते हैं यूज करके है जो स्वेटर शॉल्स ऐसी चीज़ें बनती हैं ना। नेक्स्ट इज सिल्क वी ऑपटेन सिल्क फ्राम सिल्क वाम्स जैसे आपने बहुत सारे वाम्स के बारे में पढ़ा होगा ना तो इसी तरह एक सिल्क वाम होता है जो कि मलबरी के ट्री के ऊपर रहता है एंड इट मेक्स अ कोकून अराउंड इट्सल्फ़ अपने फाइबर से अपने आसपास पास है एक कोकून जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर में एक वाइट कोकून सा बना लेता है गेट सिल्क फ्राम दिस कोकोन्स इसी से ये जो सिल्क बनता है सिल्क थ्रेड्स बनाए जाते हैं एंड दैन सिल्क थ्रेड आर वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ्स दीज आर नेचुरल फाइबर्स कॉटन वोल एंड सिल्क एंड समाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज दिज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशल फाइबर्स रेन कैनवास एंड नाइलॉन्स दीज आर मैन मेड फाइबर्स नाइलॉन एंड कैनवास आर वेरी स्ट्रांग लाइट इन वेट एंड वाटर प्रूफ इन नेचर ये क्या होते हैं बहुत स्ट्रोंग होते हैं ये वाले फाइबर और वाटर प्रूफ होते हैं इसीलिए इनको टेंट हाउस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज क्लॉथ्स वॉर्न बाय वीमेन। वीमेन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ इंडिया वेर अ लॉन्ग अनस्टिस् क्लॉथ कॉल्ड अ सारी इंडिया में है वीमेन जो औरतें हैं वो साड़ी भी पहनती हैं एंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वीमेन ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस और भी अलग अलग तरह की ड्रेसिस पहनती हैं जैसे कि सलवार कमीज घाघरा चोली फिर एंड मैनी मोर मैन ऑल्सो वेयर जीन्स शर्ट्स ट्राउजर एंड टी शर्ट्स नेक्स्ट इज क्लॉथ्स वर्न बाय मैन इंडिया मैन वेयर कुर्ता पजामा कुर्ता लुंगी धोती कुर्ता टाउन एंड सिटीज़ मैन वेयर ट्राउजर एंड शर्ट्स ऑल्सो वेयर डिफरेंट हेड केयर्स पगडीज इन डिफरेंट स्टेट्स दिस इज केयरिंग ऑफ क्लॉथ्स कि हमें कपड़ों की या अपने क्लॉथ्स की केयर कैसे करनी चाहिए क्लॉथ शुड भी वॉश रेगुलरली वॉश करने चाहिए किसके साथ विद अ माइल्ड डिटर्जेंट टू रिमूव डस्ट जर्म्स एंड स्वेट हम जो कपड़ों को है अपने क्लॉथ्स को अच्छे से हम डिटर्जेंट के साथ वॉश करते हैं ताकि उनमें से जो डस्ट है या स्वेट है जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए और हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स नीड टू बी ड्राई क्लीनड और कुछ कपड़े होते हैं जैसे कि सिल्क और वुलन क्लॉथ्स हैं उनको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए इन ड्राई क्लीन क्लॉथ्स आर क्लीनड विद पेट्रोल एंड केमिकल्स उससे क्या होता है कि कपड़ों को वाटर से वॉश नहीं करते किससे किससे क्लीन किया जाता है पेट्रोल की हेल्प से और केमिकल की हेल्प से जिससे कि कपड़े ख़राब ना हो इन वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स नैफेलिन बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स आर कैप्ड टू कीप द इंसेक्ट्स अवे जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं या वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं नैफेलिन बॉल्स या फिर जो ड्राई uh, नीम होती है जो नीम को सुखा के है उन कपड़ों के साथ रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनसे दूर रहें और हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो सेफ रहें Thank you.